प्रणाम, मैं हूं आपकी अपनी अक्षरा सिंह। आज हमारी फिल्म मेरा सपना, जिस फिल्म का नाम है डोली, उसका फर्स्ट लुक जारी किया गया है। आप सभी लोगों से निवेदन करती हूं कि आप लोग अपना आशीर्वाद, प्यार, दुलार इस फिल्म को, मेरी एक नई पहल को ज़रूर दें, ताकि मेरी और हिम्मत बढ़े और आगे और कुछ नया करने की कोशिश करूं। बतौर नायिका आप लोगों ने बहुत पहले ही इस्टैब्लिश कर दिया था मुझे अपना आशीर्वाद देकर। उसके बाद एक दौर ऐसा आया जहां मैंने गायकी की शुरुआत की, जब लोग मुझे काम नहीं देते थे। उस समय मैंने ये गायकी का सफ़र शुरू किया, जहां पर भी आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद, दुलार, प्यार दिया मुझे और बतौर गायिका भी इस्टैब्लिश कर दिया। बट इस बार मैंने एक छोटी सी पहल की है बतौर प्रोड्यूसर। इसमें भी आप लोगों से मुझे उतना ही साथ और प्यार की ज़रूरत है, ताकि मैं बतौर प्रोड्यूसर भी इस्टैब्लिश हो जाऊं। और शोज़ के दौरान मैं काफ़ी सारे जगह घूमी, जहां मैंने बड़े ही करीब से लोगों को देखा और लोगों से जानने को मिला। जब भी मैं फिल्म के प्रमोशंस या शो में जाती, तो कुछ संभ्रांत परिवार के लोग मिले, कुछ युवा लोग मिले, और कुछ यू नो यंग बॉयज़ गर्ल्स मिले, जो हमारे परिवेश से बिलोंग करते हैं। साथ ही मीडिया कर्मी लोग, उनका मुझसे हमेशा से ये सवाल रहता था कि हम अच्छी भोजपुरी फिल्म कब देखेंगे, हम ऐसी फिल्में कब देखेंगे जो हम एक परिवार के साथ एकजुट होकर बैठें और हम गर्व से कह सकें कि ये हमारी भोजपुरी है, ये हमारी भोजपुरी संस्कृति है। मुझे इस बात का मलाल उस समय रहता था, बट ये सोचने पे मजबूर हो जाती थी कि ये फिल्म मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि उस समय मुझे फिल्म तो कोई देता नहीं था, कोई मुझे काम नहीं देता था, और जो भी फिल्में साइन भी थीं, वो भी फिल्म मुझसे छीन ली जाती थी और फिल्मों से हटा दिया जाता था मुझे। तब एक थॉट आया मेरे मन में कि एक फिल्म बनाते हैं, जो कि हमारे जो ये लोग कह रहे हैं, हमारे मीडिया कर्मी कह रहे हैं, संभ्रांत परिवार के लोग कह रहे हैं, हमारा अच्छा वर्ग जो भोजपुरी से कट चुका है, उन्हें क्यों ना जोड़ा जाए, अगर क्यों ना हम एक ऐसी फिल्म बनाएं जो जिससे हमारे लोग अप्रिशिएट करें। फिल्म के थॉट को ये स्टोरी आई मेरे मन में कि कुछ इस तरीके का किया जाए। और मैंने हमारे फिल्म के डायरेक्टर, हमारे फिल्म के मालिक मंजुल ठाकुर जी को ये थॉट शेयर किया। और उस समय जब मेरे पास कुछ काम नहीं हुआ करता था, उन्होंने अप्रिशिएट किया और मेरे इस सफ़र में उन्होंने साथ दिया और इस फिल्म को तैयार किया, इसकी स्टोरी तैयार की। और हमने बड़े ही यू नो मेहनत मशक्क़त के बाद एक छोटी सी फिल्म बनाई। और उम्मीद करती हूँ कि इस फिल्म को आप लोग ज़रूर सराहेंगे और अपना प्यार दुलार देंगे। मैं एक लड़की हूँ, मुझे पता है, पुरुष प्रधान समाज में जी रही हूँ ये भी मुझे पता है, बहुत मेहनत मशक्क़त करना पड़ता है अपना नाम, अपना वजूद बनाने के लिए, और मैं कर भी रही हूँ, आगे भी ये मेहनत बरकरार रखूँगी। अप्रिशिएशन, अपना आशीर्वाद, दुलार, प्यार मुझ पर बनाएं, ताकि मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया कर सकूँ और आप सभी लोगों के लिए कुछ नया लेकर आ सकूँ। साथ ही मैं तमाम टीम को, हमारे दोस्तों को, मेरे माता पिता को, सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। माँ बाप को क्या धन्यवाद दूँगी, मेरे माता पिता का ही सहयोग है, उनका ही साथ है, उनका ही आशीर्वाद है कि मैं इस पहल में कामयाब हो पाई हूँ। लेकिन इसमें सफल तब हो पाऊँगी जब आप लोग अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद देंगे, इस लुक को देख के बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा। साथ ही मैं जितने मीडिया कर्मी हैं, जितने संभ्रांत परिवार के लोग हैं, जितने अच्छे वर्ग हैं, जितने युवाएं हैं, जो लोग हमारी भोजपुरी से, हमारी भोजपुरी फिल्मों से कटे हुए हैं, उन सभी लोगों से निवेदन करती हूं कि आप लोग ज़रूर इस लुक को देखें और मुझे
अपनी टिप्पणी में बताएं कि कैसा लगा ये हमारा पहला लुक, और ताकि मुझे मुझे भी खुशी हो और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आप लोगों को कैसा लगा ये लुक। अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। एक इंसान आपका रास्ता बंद कर सकता है, पर ईश्वर आपके लिए हज़ारों रास्ते खोल देता है जहाँ आप अपने मेहनत पर, अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। ईश्वर की कृपा से मैंने ये पहल की है, और एक लड़की होने के नाते मैं बड़ी ही मजबूती के साथ मेहनत करती रहूँगी, मुशक्क़त करती रहूँगी, आगे बढ़ती रहूँगी, अगर आपका साथ और प्यार रहा तो। साथ ही जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी भी औरतें हैं, उन सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लड़की हैं इस वजह से हार ना मानिए। वो कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। बस अपना आशीर्वाद प्यार इस अक्षरा सिंह पर, इस अदनी सी कलाकार, छोटी सी कलाकार पर हमेशा से बनाए रखिएगा, यही कामना करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।